हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सामरा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे टाइम पर। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो ये टॉपिक है समय बोधा, ये संस्कृत के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित उन्हें एक प्रश्न पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि टाइम तो हमें पता है कि किस तरह से कहा जाता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि संस्कृत में समय किस तरह से कहा जाता है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि समय को संस्कृत में कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। घड़ी को संस्कृत में कहा जाता है घटी। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि समय को किस तरह से कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो आपकी घटी है उसमें 1 बजे का समय दिखाया गया है। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि कितना बजा है या कितना समय हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा संस्कृत में क समय। जब आप संस्कृत में समय को बता रहे होंगे तो आपको शब्दों पर ध्यान देना है। कैसे? यहाँ पर जब आप कहेंगे कि कितना बजा है, आप उत्तर देंगे 1 बजा है। तो जब हमने कहा 1 बजा है, तो हम सबसे पहले एक को संस्कृत में क्या कहते हैं वो जानेंगे। एक को संस्कृत में कहते हैं एकम, एकह या एक। तो यहाँ पर कहेंगे एक वादनम। वादनम जो शब्द है वो वद धातु णिज कर्मणि ल्युट प्रत्यय को लगाकर बनता है और इसका अर्थ होता है बजाना। तो जब हम यहाँ पर कहेंगे एक वादनम, तो इसका अर्थ होगा 1 बज गया है। ठीक है, इसी तरह से 2 बजने के लिए हम कहेंगे द्विवादनम। 2 को संस्कृत में कहा जाता है द्वे, दवई या द्वि। तो हम यहाँ पर बताएंगे द्विवादनम। इसी तरह जब हम कहेंगे कि 3 बजे हैं, तो हम सबसे पहले त्रि कहेंगे, फिर वादनम कहेंगे। 3 को त्रीणी, त्रया या त्रि, ये 3 शब्द कहे जाते हैं संस्कृत में 3 के लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे त्रिवादनम। 4 के लिए हम कहेंगे चतुर्वादनम, क्योंकि 4 को संस्कृत में कहा जाता है चत्वारी, चत्वारह या चतुर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्वादनम। फिर इसी तरह 5 को हम कहेंगे पंचवादनम। 6 बजे के समय को हम कहेंगे षड्वादनम। यहाँ पर षट नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे षड्वादनम। फिर 7 बजे के समय को हम कहेंगे सप्तवादनम। उसी तरह 8 बजे का समय कहलाया जाएगा अष्टवादनम। 9 बजे के समय को हम कहेंगे नववादनम। 10 बजे के समय को दशवादनम। 11 बजे के समय को हम कहेंगे एकादश वादनम। उसी तरह 12 बजे के समय को हम कहेंगे द्वादश वादनम। अब यहाँ तक बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, क्योंकि आपको सिर्फ संस्कृत में गिनती का पता होना चाहिए 1 से 12 तक। इस तरह 12 की जो गिनती है उसके पीछे वादनम लगाकर हमने जान लिया कि 1 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को किस तरह से बताया जाएगा। अब बात आती है कि जब 1 बजकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इस तरह का समय होगा तो उस समय को क्या कहा जाएगा। तो चलिए जानते हैं, 1 बजकर 5 मिनट हो या 5 जो है वो ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे। यहाँ पर आपने फिर से ध्यान देना है कि शब्दों पर ध्यान रखना है। यहाँ पर जब 5 मिनट ज्यादा हैं तो आप कहेंगे कि 1 बजकर 5 मिनट हुए हैं, और जो 5 है वो क्या है, 1 से अधिक है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कहेंगे पंचाधिक एक वादनम। पंचाधिक कैसे बना? पंचाधिक बना पंच और अधिक। यहाँ पर चौ में भी अ है और इसके आगे अधिक में भी अ है, तो यहाँ पर अ और अ मिलकर संधि के अनुसार आ बन जाता है, यानी अ और अ को दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर हमें समय के साथ साथ संधियों का भी ज्ञान हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हुई है दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि के अनुसार जब अ और अ मिल जाते हैं तो वो बनता है आ। तो यहाँ पर पंच और अधिक मिलकर बना पंचाधिक एक वादनम। 5 अधिक हैं इसलिए पंचाधिक। उसके बाद 1 बजकर जब 10 मिनट हो, यानी 12 के बाद जो ये यहाँ वाला पोर्शन होता है 1 से 10 तक का समय, उसको भी कहेंगे दशाधिक एक वादनम।
दशाधिक भी उसी तरह बना, दश में भी अ है श के अंत में और अधिक में भी आगे अ है, इसलिए अ और अ मिलकर यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाती है और बनता है दशाधिक एक वादनम। उसी तरह जब 1/15 होगा तो वहां पर पंचाधिक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1/15 के लिए हम हिंदी में क्या कहते हैं, सावा एक, यानी हमने ये नहीं कहा कि 1:15 हुए हैं, हमने कहा है सावा एक हो गया है। तो सावा एक से हमने कहा था कि शब्द पर ध्यान देना है, सावा एक कहा है तो एक जो है वो हम बाद में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सही किस तरह से लिखेंगे, सपाद एक वादनम। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सावा के लिए सपाद का प्रयोग हुआ है, यानी जब भी सावा एक, सावा दो, सावा तीन इस तरह से होगा तो वहां पर सपाद कहा जाएगा, यानी 15 मिनट के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 15 मिनट है, यहाँ हम मानेंगे कि 1:15 हुए हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे सपाद एक वादनम। इसी तरह से जब 1:20 होगा, यहाँ पर जब आप समय बताएंगे आप कहेंगे 1:20 हुए हैं, यानी 1 के बाद 20 अधिक है। तो यहाँ पर हम दोबारा वही पैटर्न अपनाएंगे जो सावा एक से पहले अपना रहे थे, यानी अधिक वाला। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, विंशत्यधिक एक वादनम। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर विंशत्याधिक एक वादनम नहीं कहा गया है, यहाँ कहा है विंशत्यधिक एक वादनम। तो यहाँ पर आप संधि पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 20 को क्या कहा जाता है, विंशति, और उसके आगे क्या है, अधिक, यानी यहाँ पर ई और अ, ई कहाँ है, त में ई है, इसलिए ई और आगे अ है, ये दोनों स्वर हैं, और जब ई और अ हो तो उनमें कौन सी संधि होती है, उसमें होती है यण संधि। यण संधि के अनुसार जो है ई और अ जब मिलते हैं तो बनता है य। तो यहाँ पर जब य बना तो किस तरह से बना, विंशति को जब हमने ई हटा दिया तो बना विंशत, यानी त अधूरा रह गया, और अधिक का जो अ है वो ई और अ मिलकर बना य। तो यहाँ बना विंशत्य, और पीछे जो धिक है वो उसी तरह से रहेगा तो बना विंशत्यधिक एक वादनम। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, आगे है 1:25, यानी 25 मिनट अधिक हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से पंचविंशत्यधिक एक वादनम, यानी जो 25 है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति। तो जब पंचविंशति का ई और अधिक का अ मिला तो ई और अ जो है वो यण संधि के अनुसार क्या हो गया, य हो गया। तो यहाँ पर बना पंचविंशत्यधिक एक वादनम। ठीक है, अब हम आते हैं 1:30 पर। जब 1:30 का समय होता है तो आप हिंदी में किस तरह से कहते हैं, आप कहते हैं 1:30, यानी आप 30 मिनट के लिए 1:30 का उपयोग करते हैं। जिस तरह से 15 मिनट के लिए सपाद का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह 30 मिनट के लिए प्रयोग किया जाता है सार्थ का। यानी यहाँ पर भी आप शब्दों पर ध्यान देंगे कि 1:30 जो है वो पहले प्रयोग किया गया है, इसलिए हम सार्ध का प्रयोग पहले करेंगे। तो 1:30 के लिए सार्ध एक वादनम जो है वो उचित होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम 1:35 का देखेंगे कि 1:35 को क्या कहा जाता है। जब 35 मिनट अधिक होते हैं उसे भी अधिक की श्रेणी में रखेंगे और कहेंगे पंचत्रिंशदधिक एक वादनम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप संधि करते हो, जब आप इसको अलग करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा पंचत्रिंशत अधिक। जब त्रिंशत का त तो जो है वो कैसे लिखेंगे, त्रिंशत का जो त तो है वो हलंत होता है, यानी त्रिंशत और अधिक इस तरह से होगा। तो त तो क्या है, त तो है व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग होगा। व्यंजन संधि में त तो के आगे यदि कोई स्वर है तो त तो का क्या हो जाता है, त तो का द हो जाता है। तो यहाँ पर बना पंचत्रिंशदधिक एक वादनम। आगे बढ़ते हैं, आगे समय है 40 मिनट, यानी 40 मिनट अधिक है। 1:40 को कैसे कहेंगे, इसको भी अधिक की श्रेणी में रखेंगे, चत्वारिंशदधिक एक वादनम, यानी चत्वारिंशत जो है उसको भी त्रिंशत की तरह ही होगा। त्रिंशत में त हलंत था, चत्वारिंशत में भी त हलंत होता है। और यहाँ पर भी वही रूल फॉलो होगा व्यंजन संधि का, कि जब त
क, च, ट, त, प यानी स्पर्श व्यंजन है, उसके आगे जो यदि स्वर है तो उसका जो है वो तीसरा वर्ण हो जाता है, और त का तीसरा वर्ण क्या है, द है। तो यहाँ पर चत्वारिंशदिक एक वादनम। उसके बाद बारी आती है 1:45 की। 1:45 को हिंदी में कहते हैं पौने दो, यानी पौने दो कहा गया है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ एक है तो हम एक वादनम लिख सकते हैं, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर एक जो है वो केवल लिखा गया है, यहाँ पर बोला नहीं जाता है, बोला जाता है पौने दो। यानी हमने साढ़े और सावा की तरह पौने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता, वो है पादोन, और यहाँ पर दो कहा गया था यानी पौने दो, तो एक को छोड़कर हम यहाँ द्विवादनम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको शब्दों पर ही ध्यान रखना है, तो शब्दों पर ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर पादोन द्विवादनम लिखेंगे। अगर यहाँ पर दो है, यानी यदि आपसे पूछा गया है 2:45, 2:45 को जब आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, पौने तीन, तो यहाँ पर लिखेंगे पादोन त्रिवादनम। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है 1:50 की। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ हम अधिक वाली श्रेणी में नहीं जाएंगे, यहाँ हम आ जाएंगे कम वाली श्रेणी में। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पर जो मार्जिन है वो कम हो गया है, तो हम इसे रखेंगे कम की श्रेणी में, और संस्कृत में कम को कहा जाता है उन। तो जब आप यहाँ पर इसको कम की श्रेणी में रखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि 2 बजने के लिए 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि दशोन द्विवादनम। यहाँ पर जब दशोन को जो है आप डिवाइड करेंगे, जब आप इसकी संधि करेंगे, तो वहां पर आएगा 10 जमा उन, यानी 10 और उन है। 10 में अ है और उन के आगे उ है, यानी ये दोनों क्या है, स्वर हैं। और स्वर संधि के नियम के अनुसार जब आगे अ है और पीछे उ है तो वहां पर गुण संधि हो जाती है, और गुण संधि के अनुसार अ और उ मिलकर बनाते हैं ओ। इस तरह मिलकर बना 10 का द श पूरा, और अ और उ मिलकर बना ओ, और न रह गया न, तो यहाँ पर बना दशोन द्विवादनम। यहाँ पर द्विवादनम क्यों प्रयोग किया गया है, एक वादनम क्यों प्रयोग नहीं हुआ है, उसके लिए आपको बताया जा रहा है बार बार कि आपको शब्दों पर ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करते हैं 1:55 की। 1:55 होते हैं तो आप कहते हैं कि 2 बजने को 5 मिनट बाकी हैं, यानी 5 मिनट कम है। उसमें आप कम के लिए प्रयोग करेंगे उनका, और 5 मिनट होता है पंच, तो पंच और उन मिलकर बनेगा पंचोन। यहाँ पर भी पंच में अंत में अ है और उनका उ है, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, और उ और अ जो मिलकर हैं वो क्या बनाएंगे, ओ, तो यहाँ पर बनेगा पंचोन द्विवादनम। इस तरह से हमने 1 से 12 तक जो है समय को क्या कहा जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से किस तरह से कहा जाता है, यहाँ तक हमने ये जाना। तो आपको जो है कुछ बातें ध्यान में रखनी है, वो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, कि जो सपाद है वो कहा जाता है 15 मिनट को, यानी जब कभी भी 1.25, 2, 3 इस तरह से पूछा जाएगा तो आप वहां पर सपाद का प्रयोग करेंगे। जब आधे का प्रयोग होगा यानी 30 मिनट का प्रयोग होगा तो वहां पर आप सार्ध का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जहां पर भी 45 यानी 45 जो मिनट है उसका प्रयोग किया जाएगा, पौने का प्रयोग किया जाएगा, पौने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं पादोन। ये तीन जो है वो आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो है यही पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उन, यानी जब जो है 10 मिनट और 5 मिनट कम होंगे किसी समय से, यानी जब आपको या 1:50 या 2:50 इस तरह से कहा जाएगा, 3:55 इस तरह से कहा जाएगा, तो आप वहां पर उन का प्रयोग करेंगे, अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो अधिक है उसका प्रयोग कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 मिनट से लेके 45 मिनट तक क्या होगा, अधिक का प्रयोग होगा, वहां पर आप अधिक की श्रेणी में रखेंगे। अब बात आती है अभ्यास की, यानी हमने अभी तक पूरा जो टाइम है वो जान लिया है कि किस तरह से हम किस टाइम को संस्कृत में क्या कहेंगे। लेकिन जो 10वीं के छात्र है, जो मैंने पहले कहा था कि जो इस समय का जो भाग हम कर रहे हैं, इसमें 10वीं के जो छात्र हैं उनको जो है परीक्षा पत्र में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो हम यहाँ पर उनका अभ्यास करेंगे। आपको इस तरह से एक पंक्ति दी गई होगी, अहम प्रातः काले
आपको यहाँ टाइम दिया है लेकिन उसको संस्कृत में नहीं लिखा है, इसका मतलब है आपको इस टाइम को संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पर 6 बजे को जो है वो नहीं दर्शाया गया है, तो अहम प्रातः काले 6 बजकर क्या करता हूँ, उतिष्ठामि, यानी मैं 6 बजे उठता हूँ। तो 6 बजे को क्या कहते हैं, षडवादने या षडवादनम, इस तरह से आप वादने या वादनम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा षडवादने। एक और उदाहरण लेते हैं, राधा 8:30 बजे क्या करती है, पाठशालम गच्छति, राधा 8:30 बजे पाठशाला जाती है। तो जो 8:30 है वो आपने संस्कृत में दर्शाना है कि 8:30 को क्या कहते हैं। 8 को कहते हैं अष्ट, और 30 को मैंने कहा था, 30 जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं सार्ध। और हमने आपको कहा था कि आपको शब्दों पर ध्यान रखना है, जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं रखना है। तो जब आप कहेंगे तो आप कहेंगे 8:30, यानी आपने जो 8:30 है वो पहले प्रयोग किया है, तो उसके लिए हम जो सार्ध है वो पहले प्रयोग करेंगे। तो 8:30 को कहेंगे सार्ध अष्ट वादने या सार्ध अष्ट वादनम। एक और उदाहरण देखिए, रामः मध्याह्ने, यानी राम जो है मध्याह्ने मतलब दोपहर को कितने बजे, 12:45 में क्या करता है, गृहम आगच्छति, घर को आता है। जो 12:45 को क्या कहेंगे, 1:15। तो यहाँ पर शब्दों को ध्यान में रखते हुए पौना जो है वो पहले कहा है, और 12 का उपयोग हमने नहीं किया है, हमने यहाँ पर 1 का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ होगा पादोन 1 वादने, यानी 1:15 जो पहले लिखा पादोन और 1 वादने बाद में। इसके बाद हम एक और वाक्य लेते हैं, रमेशः साय काले 6:15 पर क्या करता है, क्रीड़ति, यानी रमेश जो है शाम को 6:15 पर खेलने जाता है। तो 6:15 को क्या कहेंगे, मैंने कहा था कि जो 15 मिनट है उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है, सपाद। जब हमने इस समय को हिंदी में कहा तो क्या कहा, 6:15, यानी 6:15 का जो है हमने पहले जिक्र किया है। तो हम मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको शब्दों पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं रखना है। तो 6:15 का अर्थ हुआ कि हम पहले 6:15 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे, यानी सपाद षड वादने या सपाद षड वादनम। एक और वाक्य लीजिए, इदानिम 1:20, यानी जब आपसे पूछा जाता है क समय, यानी क्या समय हुआ है, तो आप कह सकते हैं इदानिम 1:20। 1:20 को संस्कृत में क्या कहेंगे, जब आप कहेंगे 1:20 हुए हैं, यानी 20 मिनट क्या है, अधिक है, इसको हम क्या करेंगे, अधिक की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा विंशत्याधिक 1 वादनम, यहाँ पर आप विंशत अत्याधिक नहीं लिखेंगे, वो हमने पहले भी बताया है। आप यहाँ बोलने में भी ध्यान रखिए ताकि लिखने में आपसे कोई गलती ना हो, विंशत्यधिक 1 वादनम। एक और सेंटेंस लीजिए, लता 4:50 पर गतवती, यानी लता क्या है 4:50 पर गई। 4:50 क्या है, वो रखा था हमने उनकी श्रेणी में, यानी कम की श्रेणी में। तो 4:50 हमने कम की श्रेणी में रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे कि जो लता है वो 5:10 थे उस वक्त गई, यानी उनकी श्रेणी में रखा। हम 4 का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, दशोन पंच वादनम, यानी 10 कम है 5 बजने को। ठीक है, अगला देखिए, प्रशांतः 1:55 पर गतवान, यानी जो प्रशांत है वो 1:55 पर गया। तो यहाँ पर भी हमने कहा था 50 और 55 क्या है, उनकी श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी कम की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा पंचोन द्विवादनम, यानी जो 5 कम है किससे है, 2 से कम है। तो यहाँ पर 1 का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2 का जिक्र। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, रमेशः 7:30 क्या है, विद्यालयम गच्छति, रमेश जो है 7:30 विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर फिर से क्या है, हमने 7:30 का प्रयोग पहले किया है, तो हम लिखेंगे भी उसी तरह से, 7:30 के लिए क्या है, सार्ध का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्ध सप्त वादनम। हमने आज जो है समय के बारे में जाना कि हम संस्कृत में समय को किस तरह से बता सकते हैं और दूसरों को किस तरह से आश्चर्य में डाल सकते हैं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी जो ये समय है उसको ध्यान में रखना है। जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो भी बताई हैं कि आपको 15:30, 45, ये जो 3 मिनट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। कि 15 मिनट को कहा जाता है स्पाद,
30 को कहा जाता है सार्ध और 45 जो मिनट्स है उसको कहा जाता है पादोन। ये तीन आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये तीन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी और दूसरा जो ध्यान में रखना था वो ये था कि 5 से लेकर जो 40-45 मिनट का समय है वो अधिक की श्रेणी में, और 55 और 50 जहां पर भी आपको पूछा जाए कि 1:55 या 2:50, इस तरह से 50 जहां पर 50 और 55 पूछा जाए वो रखेंगे आप उनकी श्रेणी में, यानी वहां पर आप उन लगाएंगे, अधिक नहीं लगाएंगे। अधिक लगाएंगे 5 से 45 मिनट्स तक। धन्यवाद।